नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अन्नदाता की भारी डिमांड पे हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। इसके लिए हमने ये छोटा छोटा पनीर के पीसेस कट कर रखे हैं और उसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लिया है 5 मिनट। और कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ इस कढ़ाई में 2 शिमला मिर्च, 1 प्याज चौकोर साइज़ में कट करके 5 मिनट फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, ग्रेवी के लिए हम इसमें डालेंगे 2-3 टमाटर और 2 प्याज, 1-2 मिर्ची जो कि हमने क्या करा है कि रफली चॉप कर लिया है। अब इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में और हल्का सा 5 मिनट फ्राई होने देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसको मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है और ये प्याज ट्रांसपेरेंट सा हो गया है और टमाटर भी हल्के से तल गए हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी में और फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब उसमें ग्रेवी बनाने के लिए हम उसको फाइन पेस्ट बना चुके हैं। अब इसमें कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे जीरा। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया। अब इस जीरे को तड़कने दें। जब जीरा तड़कने लग जाए तो इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते। तेज़पत्ते से क्या होता है ना कि एक अलग सी उसकी टेस्ट घुलता है, जायका बनता है और वो बहुत टेस्टी भी लगता है, इसलिए मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऐड कर दिया है तेज़पत्ते। अभी ये थोड़ा, वैसे मैं खड़े मसाले भी बहुत लोग ऐड करते हैं पर मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद है और मेरे अन्नदाता को भी नहीं पसंद है, तो मैं उसे अवॉइड करती हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे वो जो पिसे हुए मैंने ग्रेवी रेडी किया है वो। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ग्रेवी का छौंक लगा दिया है। अब इसको पकने लेंगे और तब तक पके में भून लेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से मसाले पकना जाए और ये एक्स्ट्रा ऑयल छोड़ दें। तब तक इसको अभी भूनना है मीडियम आँच पे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छा से ये भून रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे अब हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच और इसको फिर अभी अच्छे से भूनने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और ये अब थोड़ा थोड़ा ऑयल भी छोड़ रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 चम्मच। 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 2 मिनट और पकाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया टेक्सचर आ रहा है, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब चाहें तो इसमें वो गरम मसाला और मीट मसाला भी एवरेस्ट का ऐड कर सकते हैं, पर मुझे अवॉइड करना है क्योंकि ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं अन्नदाता, तो मैंने अवॉइड करा है। आपकी इच्छा अनुसार आप चाहे तो, सबका अपना अलग अलग पसंद होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और पर्सनली मैं ये बता रही हूँ कि ये पानी कभी भी ठंडा ऐड नहीं करना है। जब भी पानी इसे पकते हुए मसाले में ऐड करना है, गर्म पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पानी उबाल रखा है जो कि ये देखिए उबाल रहा है। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार जितना गाढ़ा ग्रेवी आपको पसंद है उतना आप कम पानी डाल सकते हैं, बट मुझे थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा ठीक पसंद नहीं है और पर्सनली चावल से खाना, इसलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी नहीं रखा है। अभी ये पकेगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा है इसका लुक आया। अभी इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे वो जो हमने फ्राई करके रखा था पनीर और शिमला मिर्च वगैरह, ये जो हमने फ्राई करके रखा था, अब इसको ऐड करेंगे। बस 2 मिनट पकाएंगे और हो गया हमारा सब्ज़ी रेडी। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितनी बढ़िया लुक आ रही है और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है और 5 मिनट में इसको पका भी लिया है। अब ये बिल्कुल भी रेडी है, तो आप किसी भी चावल या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती हैं और बिल्कुल भी आसान तरीका है, इजीली आप बना सकते हैं।
अब यहाँ हेल्थ इशू है, हम लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए इसमें बटर ऐड नहीं किया है, नहीं तो ऊपर से थोड़ा सा बटर ऐड करा जाता है। बटर ऐड करने पे इसका थोड़ा रिच टेस्ट आता है ढाबे वाली, बट यहाँ मेरे अन्नदाता नहीं चाहते हैं, उनको थोड़ा ऑयल अवॉइड करना है इसलिए मैंने ऐड नहीं करा है। सो वीडियो लगाओ तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ट्राई करें ये सब्जी, एक बार ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स। पर्सनली बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आ रहा है, ये देखिए कितना रिच लुक आ रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।